नूंह में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। निकाय चुनावों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नूंह में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री मोहम्मद जैद के निवास स्थान वार्ड नंबर 2 में चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे। चाय पर चर्चा के दौरान पहुंचे मोहम्मद जैद के निवास स्थान पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वे कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की रीति नीति को लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने नूंह के आवाम को आश्वासन देते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए निकाय चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए भाजपा का चेयरमैन चुने ताकि विकास की गति को बढ़ाया जाए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा में भले ही टिकट के दावेदार अधिक हों, लेकिन संगठन तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। जहां तक बगावत की बात है, तो बगावती नेताओं कार्यकर्ताओं को भाजपा में जगह नहीं है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मेवात हरियाणा के अंतिम छोर पर है। यहां मोदी और मनोहर सरकार ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजना को अमली जामा पहनाया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मेवात जिले में कमल खिलाना है, कमल खिलाना लक्ष्य है, कमल है तो हम हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक व हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद, एजाज खान काटपुरी जैसे नेता उनकी पार्टी व संगठन के नेता हैं। इन दिग्गजों के आने से मेवात की धरती पर कमल जरूर खिलेगा। राज्य के चाय पे चर्चा, नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव है और हरियाणा के अंतिम छोर पर मेवात, चंडीगढ़ में बात मेवात नौ जिला आता है। तो आज जाकिर जी आपके विधायक पूर्व में रहे हैं, नरेंद्र पटेल जी अपने जिलाध्यक्ष हैं और सभी पार्टी के पदाधिकारी व्यापारी गण व्यापारी सारे बैठे मंडी के। आज हमारा मेवात में जो चुनाव होने जा रहे हो अपने इलाके में, उस पर भी अपने नगर परिषद का चेयरमैन कमल को जिताना है और लोगों को कहना है कि अगर विकास है तो कमल को आगे निकाल। और मेवात वो जिला है जिसकी कल्पना, जिसका कहते हैं हिंदुस्तान के सभ्य, उसमें जी मेवात डेवलपमेंट में सबसे अंतिम पंक्ति पे रहा और अंतिम पंक्ति पे उन पूर्व की सरकारों में जो सत्ता में आसीन रहे और जिन लोगों के कारण से विकास हुआ, मनमोहन मोदी के नेतृत्व में जो मेवात में कभी कल्पना नहीं थी। और मुझे मंडी के लोगों ने कहा कि हरियाणा में जब से बना पहले इतिहास में इतना पानी मेवात के लोगों को मिला कि मंडी धान से लबालब रही, यह कल्पना भी नहीं थी। और इतना बड़ा जो व्यापारियों को लाभ मिला धानों में या धान बोने का, इससे मिला कि मनोहर की सरकार ने दक्षिणी हरियाणा को पूरा पानी देने का प्रयास करा। जहां देखिए बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, जहां केपी देखिए, केजीपी को जोड़ता है, आईटीआई की बात करें, डेंटल की बात करें और या रोडों की एक्सप्रेस की बात करें, इतना मेवात पे विकास हुआ है। इस विकास को मैं आगे लेके जाना है कि मेवात के अंतिम छोर पर कोई कमी नहीं जाए और आज विकास का युग है। नहीं, पार्टी में टिकट मांगने का हर आदमी का अधिकार है। हर आदमी वर्कर पाता है तो इच्छा के साथ आए, पार्टी का उसमें अधिकार है मांगना और संगठन का काम है तय करना। भारतीय जनता पार्टी के वही वर्कर होते हैं जो संगठन तय कर दे उसके साथ लग जाए। उनकी जब तक होती है जी आपस में मन मुटाव तक टिकट नहीं मिले, उसके बाद चुनाव होता है तो वही होते हैं। और जो लोग पार्टी के होकर साथ ही बगावत करते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते। कमल ही खिलाना अपने लक्ष्य है, आदमी नहीं खिलाना, कमल खिलाना है। कमल से आदमी हो सकता, आदमी से कमल नहीं हो सकता। कमल है तो हम हैं, हमें मेवात के जब हम बैठे महान योद्धा जो राजनीतिक क्षेत्र में जिनके परिवार रहे, जिनकी कल्पना से दूर था, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे नसीम है, जाकिर भाई जी हैं, आजाद जी, ये सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जो मेवात के अपने आप में जिनकी अपनी पहचान है, राजनीतिक पहचान है। आज भी कमल नहीं खिलेगा मेवात में, कब कमल खिंचेगा? और कमल ही खिलाना अपना लक्ष्य है।